रात में जो है रोड से जा रहे हैं और बीच में किसी ने दरख्त काट दिया अंडे और आप अंडे मार के रोक दिया, याद आ रहा हूँ। प्रोटीन मिलना चाहिए ना, तो बस अभी ये कॉफी को गुजारा करेंगे। प्रोटीन खा कर सामान बाहर ही भूल गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू जापान, ब्रांड न्यू व्लॉग। आज हम निकल रहे हैं अपने रोड ट्रिप पे जो कि मच अवेटेड था स्कॉटलैंड की तरफ। अभी बस निकल रहे हैं रास्ते में, अभी जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं बाकी, क्योंकि आधा जो ट्रिप है वो अकेले गुजारने वाला हूं मैं, तो उसमें इतना ज़्यादा बातें करने का मौका मिलने नहीं वाला। जहाँ जहाँ रुकते जाएंगे या जैसे भी सीन होगा वो तो आप देख लोगे। और उसके बाद जो हाफ ट्रिप है, जो सेकंड लेग है ऑफ दिस रोड ट्रिप, वहाँ पे हमें कोई ज्वाइन करने वाला है, वो आपको आधे रास्ते में तो मैनचेस्टर के करीब जाके पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बस नाश्ता वाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। या फटाफट एक स्लाइस ब्रेड का खा रहा हूँ ताकि लाइट नाश्ता करें, बाकी रास्ते में जो भी होगा वो चलता रहेगा। अभी वैसे खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, एनर्जी नहीं रहती शायद, पता नहीं। ऑटोमेटिक है यार, कुछ सामान था जो उस गाड़ी से इस गाड़ी में मूव करना था, गोप्रो का माउंट और वो सब कुछ, तो अभी रख दिया है। अभी बस रास्ते के लिए फुल एनर्जी चार्ज हो गई है और ये सीट है वापस उसमें मूव करनी है, क्योंकि रात को चक्कर लगाने गए थे ना, तो बस वो फिर यहाँ पे तो रेगुलेशन चलती है, कार सीट वगैरह अब ले जा ही नहीं सकते बच्चों को कोई सूरत भी, तो बस इसको अभी वापस मूव करते हैं उसके बाद निकलते हैं। बाय हाफिज। ओके, अब निकलते हैं अपने रोड ट्रिप पे स्कॉटलैंड के लिए। रास्ते में ऐसी वाली ट्रैफिक मिलेगी ना फिर तो पता नहीं कब पहुंचेंगे यार। अपना ही मजा है, सही है, दोस्तों से बातें शातें हो रही है फोन पे और साथ में ड्राइव एंजॉय हो रही है। यार क्या जबरदस्त किस्म की कंट्री साइड पे ड्राइव कर रहा हो यार, लेकिन एक मसला है कि एप्पल कार प्ले जो है ना वो चल नहीं रहा। अभी चल रहा था, चलते चलते एकदम से रुक गया। यार ये वाली सर्विसेज में रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यार यहाँ से कॉफी शॉफी और ऐसा कुछ पकड़ते ताकि अगला वाला सफर जो है ना वो आराम से गुजर जाए। क्या ट्रैफिक थी यार, शुक्र है अब आगे क्लियर दिखा रहा है, होपफुली हम टाइम पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे से मैनचेस्टर से किसी को पिक करके फिर आगे भी जाना है। यार कुछ चॉकलेट शॉकलेट पकड़ लेते हैं और रास्ते के लिए कुछ पीने के लिए। एकदम से मैं कॉफी लेके आया, मैंने कहा यार एकदम से कॉफी लेके गाड़ी में आया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैं तो दोपहर को गया था, शाम कैसे हो गई, बादल इतने सख्त आ गए यार, स्ट्रॉन्ग किस्म के यार, मतलब रात होने वाली है ऑलमोस्ट, लग रहा है ऐसे वैसे 2 बजे है। ओके यार, तो अब आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, मैनचेस्टर पहुंच चुके हैं, बल्कि मैनचेस्टर थोड़ा सा आगे रॉचडेल का एरिया यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम किसी को पिक करने वाले हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन है और उसके बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल के लिए यार बस थोड़े से लेग स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़े से वॉक शॉक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे फर्दर। खवातीनों हज़रात, पिक करने मुझे आ रहा था साइम, मेरा नाम है दानिहाल शेख, ताल्लुक मेरा जो है वो पुराना है आपसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये कि इंटरनेट की ख़ानदान से पुराना ताल्लुक़ है। और मैं इस वक्त हूँ बर्तानिया में और हम बर्तानिया से जा रहे हैं स्कॉटलैंड, ठीक है, मतलब इंग्लैंड से हम लोग जा रहे हैं स्कॉटलैंड। तो देखो क्या होता है यार, थोड़ा सा लेट हो गया है साइम, लेकिन ये है कि अभी भी एटलीस्ट दिन निकला हुआ है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग रात होने से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि सुना है कि यहाँ पर रास्ते में डकैत बहुत है। नहीं, 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 कर दो। ये सिंध नहीं है, ये इंग्लैंड है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि रोड रात में जो है रोड से जा रहे हैं और बीच में किसी ने दरख्त काट दिया और आपको अंडे मार के रोक दिया, याद आ रहा हो, सो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बट क्या कैमरा है यार, क्या रिजल्ट है, क्या 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 जबरदस्त किस्म का, वाओ ब्यूटीफुल, थैंक्स। A7S3 विद 1635 1635, दुनिया का सबसे पाप कैमरा लग रहा है मुझे ये व्लॉगिंग के लिए, ये बेस्ट है यार, मतलब इसके बाद है ही नहीं ना, लुक एट दिस, लुक एट दिस यार, अभी अभी ठीक हुआ है, लेकिन इससे पहले ये मैप जो है ना, ये हवा, देखो क्या हो रहा है यार, घुप अंधेरा और हमारा जो टॉमटॉम है ना वो हमें ये कर रहा है, अब अल्लाह ही खैर करेगा, सिराते मुस्तकीम पर चले यार। वो मैप ने तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँचा देना था, लेकिन हम घूमते फिरते यहाँ पे सर्विसेज में पहुँचे हैं और किसी तरह से यहाँ पे कुछ खाए पियेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा हल्के भी हो लेते हैं। हाँ जरूरी है ना, हल्के होना जरूरी है, उसके बाद फिर खा पी के भारी होते हैं।
यार अभी सीन ये कि यहाँ पे हलाल खाने को कुछ मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे KFC है पर वो हलाल नहीं है, यहाँ बर्गर किंग भी है, सब्वे नहीं है, और वेजिटेरियन ऑप्शन कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अभी कॉफ़ी वेजिटेरियन का मूड भी नहीं है, खाना है तो मोर मसलम ही खाना है, कुछ गोश्त खाना है ताकि थोड़ी ताकत वाकत जान माना है, वो प्रोटीन मिलना चाहिए ना। तो बस अभी ये कॉफ़ी भी गुजारा करेंगे, प्रोटीन खा कर अभी फिलहाल कॉफ़ी एंड देन ग्लास को। तो किसी तरह हम लोग पहुंच गए यहाँ पे ग्लासगो, और कुछ ऐसा इम्प्रेशन है पहला, कैसे इतने अंधेरे में कहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा रोशनी के बाद दिखाएंगे, सूरज निकलने के बाद। यार आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो इस कैमरे को, ये देखो। हाँ सॉरी माजरत, तो अभी प्लान ये कि यहाँ पे चेक इन करते हैं, पार्किंग वार्किंग ढूंढते हैं, और उसके बाद कुछ पेट पूजा का इंतजाम करते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, क्योंकि सुना है कि यहाँ पे देसी अच्छा मिलता है, बट कितना अच्छा मिलता है वो तो देखना पड़ेगा। ओके यार, तो ये है अपना रूम जहाँ पे चेक इन कर चुके हैं, ये डबल बेड साथ में सिंगल बेड, और ये यहाँ पे प्रॉब्ली एडिटिंग वगैरह होने वाली है। ये जो है ये छोटा सा मिनी बार और वो सारा सीन, यहाँ का जो व्यू है वो तो सुबह ही नज़र आएगा, अभी तो पता नहीं क्या सीन है। और वैसे हम जा जाते हैं, वही लक चल जाती है, अभी यहाँ पर भी लक चली है, क्योंकि रूम जो है वो बड़ा वाला मिल गया है, वो भी फ्री अपग्रेड में। नॉर्मली क्या था कि सिंगल एक डबल बेड होने वाला था, एक सिर्फ एक डबल बेड, अब एक्स्ट्रा मिल गया, अब एक्स्ट्रा बेड पे तो कोई भी नहीं सोएगा, बस सामान सामान पड़ा रहेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए यार बस यहाँ पर चेक इन हो गया, अभी देखते हैं कि यार बाहर जाके थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे क्या सीन है, और वो सारा ग्लासगो देखते हैं, ग्लासगो है क्या, सुना तो बहुत है, अब देखते हैं एक्सपेक्टेशन कितनी पूरी होती हैं। ये है वॉशरूम, प्रॉपर लाइक अ शॉवर रूम, और वो बेसिक स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट। मुस्लिम शॉवर यहाँ पे होता नहीं है तो वो मिस किया जाता है, वैसे जगह बनी हुई है, लगा सकते थे पर क्या कर सकते हैं। यार रूम दिखाने के चक्कर में मुझे लगता है मैं अपना सामान बाहर ही भूल गया हूँ, और क्या सीन ले रहा था, मैंने कहा रूम दिखा दो सबको, उस चक्कर में बैग बाहर भूल गया, अभी बाहर से भी ले जाता तो, यहाँ पे इतनी सर्दी है, जैकेट शैकेट सारी उसके अंदर है, पहनते क्या, यहाँ पे कुल्फी जम जानी थी तो अभी कुल्फी नहीं जमेगी। प्लान तो ये हो रहा था कि यार वॉक करके जाते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, और अब पता नहीं कहाँ तक वॉक करनी पड़ेगी, अब डिसाइड करते हैं करना क्या है, या तो अंदर ही बैठ के कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, सामने कुछ नज़र आ तो रहा है बट देखते हैं, सर्दी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा सर्दी है यार। तो इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि जाके खाते हैं, जब आए हैं तो फिर यहाँ पे घूमे फिरे खाएं, तो हम उसके लिए यहाँ पे आए कबाबिश ग्रिल में कुछ खाना पीना करने के लिए, तो अभी लेट्स सी हमें यहाँ पे मिलता क्या है, है कोई सीन टेक अवे और नहीं यार। जस्ट देन हॉट बेड वैसे देखने में सही लग रहा है, खुशबू भी इस टाइम जितनी भूख लगी हुई है ना, ये भी मिल जाए तो बहुत है। अभी हम वहाँ पे गए कबाबिश में, उन्होंने बोला कि नींबू डालूं, या ऑफ कोर्स, अभी कबाबिश वालों ने बोला कि बैठ के खा नहीं सकते, मैक्सिमम ये कर सकते हैं आपको बना के दे देते हैं, आप जहाँ मर्जी जाके खाओ, तो प्लान था फुटपाथ पे बैठ के खाने का, लेकिन बारिश हो रही थी, तो फिर यहाँ पे कारपूल डिनर चल रहा है। यार ये वाली वो गली नहीं है जहाँ पे हीरो मार खा रहा होता है यहाँ पे कोने में छुप के, उसके बाद वो स्पाइडरमैन बन जाता है। होटल की तरफ वॉक करते करते ना यहाँ पे हमने स्टॉपिंग पे ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, तो देखो ड्रिंक कौन सी मिली है हमें, प्राइम ड्रिंक, जिसका पिछले दिनों क्रेज चला हुआ था, लोगन पॉल और HSI वाला, और इसकी प्राइस चेक करो यार, एक बॉटल छोटी सी 500 ml, वाओ क्या ख्याल है, बहुत महंगी है ना। ओके यार, तो कारपूल वाला खाना खाने के बाद ये थोड़ी सी हमने यहाँ की ग्लासगो की गलियाँ थोड़ी सी एक्सप्लोर की, और उसके बाद अब हम लोग आ गए अपने होटल रूम में वापस, अब फर्दर जो है एडिटिंग वगैरह चलने वाली है थोड़ी सी, और बहुत नींद आ रही है यार, इतनी सर्दी है बाहर की, यार अंदर आ गया ना एकदम से सर्दी से गर्मी में हो, तो वो वाला सीन हो रहा है। अभी फिलहाल क्या करते हैं कि ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ, तो फिर एज ऑलवेज तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।
Yeah.